आप अपना कोलेस्ट्रॉल क्यों कम करना चाहते हैं? जरा सोचिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कोलेस्ट्रॉल खराब चीज है, इसलिए उसे हमें कम करना है? तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो हमारे शरीर में बहुत सी चीजों के निर्माण के लिए, जैसे कि विटामिन डी बनाने के लिए बहुत काम आता है, साथ में कई ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं उसे बनाने में भी बहुत ही काम आता है, और साथ में जो पाचन शक्ति की जो भी क्रियाएं हैं उसमें वो हेल्प करता है। तो फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है और ऐसा टाइटल क्यों डाला है कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है? तो यही चीजें हम आगे वीडियो में जानेंगे कि आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जरूरत क्यों पड़ती है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी, मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड चीजें, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। साथ ही मैं कई होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, कई रोगों के बारे में और कई होम रेमेडीज के बारे में भी बात करती हूँ। तो अंत तक इस वीडियो के जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और उसे हमें कम करने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक मॉम जैसा पदार्थ है जो हमारे लीवर में बनता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एचडीएल और दूसरा होता है एलडीएल। एचडीएल जो है उसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। एचडीएल जो है वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि वो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करने में मदद करता है, साथ में हमारे शरीर में कई हॉर्मोन्स का निर्माण करने में मदद करता है और कई पाचन संबंधी प्रक्रियाओं में भी मदद करता है। तो जो एचडीएल है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नामक जो कोलेस्ट्रॉल है उसे बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो अगर वो आपके शरीर में बढ़ जाता है तो आपकी जो आर्टरीज है उसमें जमा हो जाता है और आपको हार्ट अटैक भी कर सकता है, साथ में स्ट्रोक भी आपको ला सकता है। तो इसलिए आप दोस्तों समझ गए होंगे कि जब भी आपके शरीर में एचडीएल का जो लेवल है वो अगर कम हो जाता है बहुत ही ज्यादा, और जो एलडीएल का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो हम उसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और साथ में उसको ये भी कहते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया हो गया है, और इस नाम से भी जाना जाता है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमें हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम क्यों करना पड़ता है। मैं ऐसी दो होम रेमेडीज के बारे में बात करूंगी जिससे आप इजी वे में, एकदम इजीएस्ट वे में, आसानी से आप अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है लौकी। लौकी आप सभी जानते हैं, जिसे हम घिया के नाम से भी जानते हैं। लौकी एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, उसमें कई सारे तत्व होते हैं, और खास बात तो ये है कि ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। लौकी में विटामिन बी होता है, साथ में आयरन भी होता है और साथ में सोडियम भी होता है। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो भी आप ये ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में, इसमें विटामिन सी भी होता है, तो अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो भी आप ये ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप लौकी को किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहला है लौकी का सूप। लौकी का सूप पिए तो उसे आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एक पूरी लौकी ले लें, एक बड़ी लौकी लें, उसे बिना छीले आप उसके टुकड़े कर दें छोटे छोटे। अब उसमें
उसको मिक्सर में डालकर उन टुकड़ों को ग्राइंड कर लें यानी कि पीस लें और एक पल्प बनाएं यानी कि एक स्मूदी तैयार करें। अब आपको क्या करना है कि आपको एक कढ़ाई में घी लेना है थोड़ा सा और उसे गरम करना है और उसमें थोड़ा सा अजवाइन, हींग और सेंधा नमक डालना है। अब उसमें आपने जो पल्प रेडी किया है वो उसमें ऐड करना है। अब 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने दें। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ऐसे ही पकने दें और उसके बाद आप इसे पी सकते हैं। तो आप अगर ये सूप का सेवन अगले 3 महीनों तक करते हैं लगातार हर रोज। आपको ये एक और बात बता दूं कि इस सूप को आप दिन में कभी भी पी सकते हैं तो भी ये फायदा करेगा, लेकिन दिन में आपको एक ही बार पीना है। तो आप पूरे दिन में कभी भी पी सकते हैं। अगर आप इस सूप को लगातार 3 महीने तक सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल अवश्य कम होगा। दूसरा है लौकी का रस यानी कि लौकी का जूस। लौकी का जूस आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एक लौकी ले लें और उसे अच्छी तरह से छील लें। अब उसमें उसके टुकड़े कर लें और आप इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें। आप चाहें तो इसके साथ आप पुदीना भी मिक्स कर सकते हैं और थोड़े से तुलसी के पत्ते भी मिक्स कर सकते हैं। इससे आपका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो इन तीनों चीजों को ले लें, अगर आप ऑप्शनल है वो सारी चीजें। इन सभी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें, पीस लें और उसके बाद एक ग्लास में निकाल लें। अब उसमें आप सेंधा नमक डाल दें और काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे आपको जो टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको खराब नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपका जूस रेडी हो गया है, आप इसे पिए। रोज सुबह खाली पेट अगर आप इसे पीते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल अवश्य कम होगा। लगातार आप रोज सुबह इसे पिए और जो लौकी है वो एकदम उसकी जो तासीर है वो ठंडी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गर्म पड़ेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप रोज लेंगे तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप लौकी के जूस की या फिर लौकी के सूप की तैयार लेने वाले हैं तो उसे आप थोड़ा कम से स्टार्ट करें यानी कि क्वांटिटी कम रखें। उसके बाद आपके शरीर को अगर सूट हो जाता है, अच्छी तरह से पच जाता है तो आप उसे धीरे धीरे आप उसके उसे बढ़ा सकते हैं। और साथ में लौकी का जूस है वो आपकी पाचन संबंधी प्रक्रियाएं जो भी है यानी कि पेट को भी साफ करता है और आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है और साथ में इसमें पानी की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है तो आप कभी डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।